और ये पुड़िया फटी ये और ये देखो पान मसाला जो है सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम लोग सब लोग रेडी हैं। हम लोग जा रहे हैं आज कानपुर ब्लू वर्ल्ड में, वहाँ पे एंजॉय करने, मस्ती करने, नहाने, और पूरी फैमिली जा रही है। देखो दीदी लोग हैं, बिट्टी है, और पापा हैं, भांजे लोग हैं, और देखो हम जा रहे हैं इनसे। ये हमारी BMW खड़ी है और ये ऑडी खड़ी है। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से आज, तो स्टेशन तक जा रहे हैं इन दोनों इनसे, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा है। चलो बैठते हैं, अभी देखते हैं कैसे एडजस्ट होते हैं इन पे। काफ़ी लोग हैं और काफ़ी सारे बैग हैं। जल्दी सवारी। मोड़े हुए हैं, हम भी बैठे हैं रिक्शा में, है ना। तो अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन की तरफ, तो धीमे धीमे चलेगी गाड़ी। 10 मिनट के ऊपर लगेगा। यहाँ से स्टेशन पास में ही, फतेहपुर स्टेशन है हमारा, तो यहाँ से पास ही पड़ता है, तो 10 मिनट लगभग लगेगा, और उसके बाद फिर पहुँचेंगे हम लोग स्टेशन में। हम लोग आ गए हैं स्टेशन में और बहुत ही कम भीड़ है। ईद उल फितर की, ईद उल बकरीद क्या बोलते हैं हमको तो पता नहीं, मुस्लिम में कौन सा त्यौहार है। आज काफ़ी कम भीड़ है और पूरा हर जगह माहौल शांत ही शांत है। लोग बैठेंगे इस पेड़ के नीचे, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे ट्रेन का। तो हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और सब लोग अपना अपना आराम कर रहे हैं, क्योंकि खाली सीट थी, काफ़ी खाली थी। तो देखो संध्या कैसे लेटी हुई है, दिखाता हूँ अभी आपको मैं। देखो गर्मी की वजह से कैसे लेटी पागल। और मम्मी पापा भी देखो इधर लेटे हुए, मम्मी लेटी हैं, पापा लेटे हैं, और ये भांजे लोग बैठे हैं। देखो दीदी बैठी, भाई फ्रेंड्स, देखो सब अपना अपना देख रहे हैं। ये तो गर्मी में ऐसे घूमो और देखो कैसे मुँह लेके बैठे। पसीना है, तेल है मुँह में सबके। देखो तो ऐसे ही है, देखो इतने धूप में मैंने मना किया था, बट धूप में घूमना बहुत ख़राब होता है यार। ये देखो करबीगुआ स्टेशन, स्टेशन क्या है, ये छोटे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं जल्दी, बट ये पैसेंजर रुक जाती है, तो पैसेंजर पे हम लोग बैठे हैं अभी। ट्रेन पूरी खाली, ज़्यादा भरी नहीं हुई, खाली है पूरी। तो हम लोग आ चुके हैं कानपुर, और ये है कानपुर का स्टेशन, देखो। और सभी लोग ऐसे बिल्कुल झुलस गए हैं गर्मी में, देखो मेरी भी हालत कैसी हो गई, पूरा पसीना पसीना हर जगह। तो चलो फिर अब चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ब्लू वर्ल्ड में, और सारे लोग दोपहर में, काफ़ी धूप का माहौल है। तो देखो आपको दिखाता हूँ बैक से, ये देखो ये बाहर का पूरा लोकेशन है, और यहाँ से एंट्री हो रही है, काफ़ी लोग एंट्री कर रहे हैं। देखो तो पहली बार जा रहे हैं हम, अभी तक तो यहाँ पे आए नहीं थे, अभी ब्लू वर्ल्ड आए नहीं थे, तो पहली बार हम लोग जा रहे हैं सब लोग। पापा का मम्मी तो चलो फिर देखते हैं, फिर अंदर चल के। तो भाई साहब हम लोग को एंट्री मिल चुकी है काफ़ी देर के बाद, और यहाँ पे हम लोग कैश नहीं लाए थे, तो दलाल टाइप का उसने जो है हम लोग से 1,030 रुपये लिया। पर यहाँ पर हमको मज़ा, और यहाँ का टिकट पड़ा है फुल का 1,100 रुपये, पर हम लोग ने फुल वाला नहीं लिया ना, सिर्फ वाटर पार्क लिया है, तो 1,000 रुपये पड़ा है। तो फिर चलो चलते हैं आगे, आगे की राइड्स दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ क्लास पे, तुम्हारा हस्बैंड। तो अभी भी हम लोग की इंटरव्यू है यहाँ पे, हम लोग अभी यहाँ पर फोटो शूट कर रहे थे थोड़ी देर, और अभी धूप बहुत है, तो अभी नहीं नहाएंगे, वाटर में नहीं जाएंगे अभी। तो इधर चल रहा है भोकाल से, और ये पुड़िया फटी ये, और ये देखो पान मसाला जो है सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है ना। मैंने ब्लॉग के लिए, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, देखो यार यहाँ पर घोड़े कितने अच्छे हैं ना, देखो कैसे स्टैचू कैसे बन गए। अच्छा
संध्या देखो नाचो 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 देखा बहुत अच्छी अच्छी लड़की देखा बहुत अच्छी अच्छी खड़ी जा खड़ी जा खड़ी जा खड़ी जा खड़ी जाओ चले गए तू तुम्हें मिल जाए को बता रहा हूँ सब लोग हम लोग तैर रहे सब लोग पापा बोल रहे थे मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैंने कैमरे लिए पर देखो कैसे रिकॉर्ड किया सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाया बड़ को यहाँ खाना फ्री है फ्री क्या है इतना टिकट ही इतने का था कि खाना यहाँ पे फ्री है और देखो यहाँ पे संध्या खा रही है और मम्मी मम्मी इधर देखो देखो मम्मी खा रही है और ये मिट्टी है ना दीदी भी खा रही है सर इधर देखो अच्छा लग रहा खाना है हम भी खा रहे हैं नहा धोकर काफ़ी देर हम लोग काफ़ी देर खेले वाटर स्लाइड तो छोटी गई है काफ़ी सारी वाटर स्लाइड थी अभी बहुत सारा था घूम रहा था बट हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था तो बहुत सारा कुछ छूट गया और अभी थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद देखो आज घर जाने को मिलता है कि नहीं अपने घर जा पाता या पापा के पास पापा यहाँ पे रूम लेके रहते हैं तो या तो पापा के पास रह पाऊँगा मैं या नहीं तो शाम का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और सूरज की रोशनी जो है कैमरे में बहुत अच्छी लग रही सामने से देखो लोग ऊपर झूला झूल रहे थे और ये बड़ा वाला झूला देखो कैसे अच्छा मौसम अच्छा था शाम टाइम का धूप नहीं लग रही थी एक भी तो कल रात को पापा के यहाँ रुके थे और रात भर रुके रहे मेरा पेट भी दर्द हो रहा था देखो यहाँ पे झूला वर्टिकल वाला और इसमें देखो सीधे ऊपर जाता है इंसान और नीचे आते हैं पूरा ऊपर नीचे होता है काफी डर लगता है इस झूले में अब हम जा रहे हैं हम लोग देखते रह गए थे हमारे पास टिकट नहीं थे तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर